नमस्कार साथियों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आने वाली है उसके संबंध में कि उसकी तैयारी आप लोग कैसे करें। आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि ये वैकेंसी आएगी कब। देखिए, वैकेंसी जब आएगी आती रहेगी, ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई वैकेंसी का इंतजार देखते देखते वैकेंसी आ भी जाए और निकल भी जाए और आप लोग उसमें कर भी ना पाए कुछ। तो आप लोगों को टारगेट बना के चलना है, वैकेंसी जब आएगी आती रहेगी। हालांकि दोस्तों, ये मुश्किल नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, मुश्किल ये है कि तैयारी कैसे की जाए। वैकेंसी आएगी फुर चली जाएगी, लेकिन आप लोग उसकी तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल। तो इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैंने आप लोगों को एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बात आना जरूरी है, ये बात आएगी। फिर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम हम दें, कितना समय हम उसको पढ़ें, ठीक है, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक लें, ठीक है, क्या क्या करें, तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके प्रोसीजर के बारे में। आप लोगों को पता होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होता है, चाहे वो जेल वार्डन हो चाहे वो कांस्टेबल हो, तो इनका जो एग्जाम होता है दोस्तों 2 घंटे का एग्जाम होता है और जो पूरा एग्जाम होता है 300 मार्क्स का होता है, यानी 300 मार्क्स रहते हैं उसमें, ठीक है, लगभग 220 के समथिंग में आपका सेफ स्कोर माना जाता है। हालांकि मेरिट इससे भी कम लग जाती है, वो अलग बात है, मेरिट पे मत जाइएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है इससे ऊपर भी लग जाए, 220 से ऊपर भी, लेकिन आप लोगों को एवरेज मान के चलना है 220 से 240 के समथिंग में आप लोग इसमें स्कोर कैसे बनाएं। और बनाया भी है लोगों ने, अभ्यर्थियों ने बनाया भी है, तो आप भी उन अभ्यर्थियों की लिस्ट में कैसे शामिल हो, इसके लिए मैंने पूरा प्रोसीजर आप लोगों को तैयार किया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की संख्या सुन लीजिए, कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 सवाल आएंगे इसमें, 50 सवाल जो आएंगे, 150 सवाल ये कहां कहां से आएंगे, 55 सवाल रीजनिंग से आएंगे, 20 सवाल मैथ से आएंगे, 38 सवाल सामान्य ज्ञान से और 37 सवाल आएंगे इसमें सामान्य हिंदी से। ओवरऑल मिलाकर 4 सब्जेक्ट आते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ। मैथ के 20 सवाल, रीजनिंग के 55 सवाल, हिंदी के 37 सवाल और रीजनिंग के आप लोगों के 55 सवाल इसमें आते हैं और जीके जीएस के 38 सवाल इसमें आते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चंस बनते हैं, 300 मार्क्स का, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और 0.5 की इसमें नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये हो गया भाई जो जहां से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आ रही है कि हम कौन से सब्जेक्ट को कितना समय दें, कौन सा टाइम है उसे उपयुक्त पढ़ने का। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदी की कि भाई हिंदी आप लोग कितने समय पढ़ें, कहां से पढ़ें। हिंदी के 37 सवाल आते हैं, आप लोगों को हिंदी की तैयारी करने कौन मतलब करनी कौन से टाइम है। आप लोग हिंदी को उठाइए सुबह 10 से 11:30 तक पढ़िए, ठीक है, एक्सरसाइज वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी अपना सिलेबस देखिए पहले कि भाई हिंदी में रस छंद अलंकार, ठीक है, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रचनाएं, ठीक है, काफी सारे आते हैं, शुद्ध वर्तनी वगैरह। तो एक एक एक्सरसाइज को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए और कितना समय, मात्र आप लोगों को 1.5 घंटे पढ़ना है, सुबह 10 बजे स्टार्ट करना है, 11:30 बजे आप लोगों को हिंदी को बंद कर देना है, इसके बाद में आप लोगों को हिंदी को नहीं पढ़ना है। और एक हफ्ते में जितने आप लोग हिंदी पढ़ें उसका आप अपने किसी साथी से, अपने किसी घर के सदस्य से अपना टेस्ट बनवा लीजिए और इतवार में अपना जितना आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, जितना आपने मैथ में पढ़ा है, इतवार के दिन आप लोग कुछ मत करिएगा, केवल टेस्ट दीजिएगा, 4 टेस्ट, चारों के चारों जो भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ का भी टेस्ट जितना आपने एक हफ्ता में पढ़ा उतने का टेस्ट, हिंदी का जितना आप लोगों ने एक हफ्ता में पढ़ा उतने का टेस्ट, रीजनिंग का जितना आप लोगों ने एक हफ्ते में पढ़ा उसका टेस्ट, ठीक है, और मैथ का जितना आप लोगों ने पढ़ा उसका टेस्ट और जीके जीएस का जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसका टेस्ट, तो सभी का टेस्ट इतवार में रखिएगा, ठीक है। तो सुबह 10 से 11:30 में आप लोगों को हिंदी पढ़ना है, ठीक है, चाहे आप YouTube चैनल से पढ़ लीजिए, वैसे YouTube चैनल से ना पढ़ के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक घटना चक्र ले लीजिए, उस घटना चक्र को रटना शुरू कर दीजिए,
ठीक है, घटना चक्र को रटना शुरू कर दीजिए। साल 2018 का मिल जाए अपडेट में, साल 2020 का, 21 का, जिसका भी मिल जाए, 22 का भी कुछ समय में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी आप लोग ले लीजिएगा, घटना चक्र से आप लोग तैयारी कीजिएगा, हिंदी की अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स के थोड़ा टच में रहिएगा, क्योंकि करंट के 2-4 क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम, भाई ये तो हो गया हिंदी, गणित, गणित के लिए आप लोगों को आर एस अग्रवाल ले लेना है बस। ठीक है, आर एस अग्रवाल ले लीजिए, सिलेक्शन आर एस अग्रवाल ही करवा देगा यूपी पुलिस में आप लोगों का, ज्यादा पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन आर एस अग्रवाल इसमें करा देगा, और गणित मात्र 20 प्रश्नों पर ही तो आता है। तो आप लोगों को गणित कौन से समय पढ़ना है, गणित पढ़ना है आप लोगों को रात के समय, शाम के समय, यानी कि 9 PM, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटा रोजाना आप लोगों को गणित पढ़ना है। वहीं बात करें सामान्य ज्ञान की, अब सामान्य ज्ञान की कौन कौन सी बुक लें आप लोग, सामान्य ज्ञान के लिए सबसे अच्छी बुक लूसेंट, ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव वाली भी, दोनों लूसेंट ले लें आप लोग। ठीक है, टॉपिक वाइज आप लोग ऐसे करें, सबसे पहले कि सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक पढ़ें जिस जो कि बिना ऑप्शन वाला हो, ठीक है, बिना ऑप्शन वाला, और फिर उसका टेस्ट लगा दें ऑप्शन वाले से। ठीक है, चलिए इसके साथ में और कौन सी बुक ले सकते हैं आप, इसके साथ में किरण वगैरह की बुक भी ले सकते हैं, वैसे लूसेंट जो है वो बेस्ट रहेगी, लूसेंट ले लें। और सामान्य ज्ञान को सुबह 6 से 7:30 बजे तक पढ़ें, लगभग 1.5 घंटे के समथिंग में, क्योंकि सुबह के समय जीके अच्छी आ जाती है। तो ये आप लोग 38% तैयार करिएगा 6:30 बजे से, या फिर 6 बजे से, जो भी है, मतलब कुल मिला के आप लोगों को 1.5 घंटा पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को 7:30 बजे के बाद में 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा डेली करंट अफेयर्स को देना होगा, आधा घंटा डेली करंट अफेयर्स को दीजिए। रीजनिंग के 55% कहाँ से तैयार करें, इसके लिए कौन सी बुक लें, तो भाई इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स इकट्ठे कीजिए, यूट्यूब से कीजिए कुछ नोट्स इकट्ठे, या फिर आर एस अग्रवाल की रीजनिंग ले लीजिए, सॉरी राकेश यादव की रीजनिंग, आर एस अग्रवाल की नहीं, राकेश यादव की रीजनिंग बुक ले लीजिए, या फिर पैरामाउंट की रीजनिंग बुक ले लीजिए, ये बुक अच्छी है इसके लिए, तो ये बुक भी मैनेज कीजिए। और हो सकता है तो इनका प्रैक्टिस सेट भी एक एक आप लोग अपने पास में रखिए, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, सभी का प्रैक्टिस सेट भी उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से मिलते हैं प्रैक्टिस सेट, 15-15, 20-20 प्रैक्टिस सेट उसमें रहते हैं वो भी, और आप लोग टेस्ट वगैरह भी अपना यूट्यूब पर ये चीज देते रहिए। तो हिंदी के लिए घटना चक्र खरीदना है, गणित के लिए आर एस अग्रवाल खरीदना है, रीजनिंग के लिए राकेश यादव की बुक खरीदनी है, और वहीं बात करें सामान्य ज्ञान की तो इसके लिए लूसेंट, ठीक है, करंट अफेयर्स की आपको स्पीडी खरीद लेनी है, करंट अफेयर्स की स्पीडी 60-70 रुपए की आती है वो ले लीजिए, और एक स्पीडी जीके वाली आती है वो ले लीजिए, सिलेक्शन कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ 240 प्लस स्कोर चला जाएगा जिस टाइम जो मैंने बताया आप लोगों को, वह टाइम पढ़ना है। रीजनिंग किस समय पढ़ें आप लोग, ठीक है, सामान्य ज्ञान का तो बता दिया मैंने, सुबह 6 से 7:30 और 7:30 से 8 बजे तक आप लोगों को करंट पढ़ना है, स्पीडी लेकर 70 रुपए वाली स्पीडी खरीद लीजिए, उसको पढ़िए। यूट्यूब पर आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी से करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, वो आपकी अलग बात है, वो ले सकते हैं आप, ये जो मैंने टाइम बताया है इस टाइम आप लोगों को यही काम करना है। रीजनिंग के 55% आप लोगों को तैयार करने हैं, शाम 3 बजे से 5 बजे तक रीजनिंग पढ़नी है, यानी 2 घंटे आप लोगों को रीजनिंग पढ़नी है डेली, ठीक है। ये प्रोसीजर यदि आप लोगों ने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, 240 स्कोर लाने से कोई नहीं रुकेगा, और कॉन्स्टेबल बनने से भी कोई नहीं रुकेगा। अगर ये वीडियो लगे कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, उपयोगी है, तो प्लीज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे तो आप लोग जानते होंगे, मैं हूँ विनोद, मोस्ट वेलकम आप लोगों का फिर से, थैंक यू।